तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम एडिट और अपडेट की फंक्शनलिटी का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने डेटाबेस से डेटा को फेच करके ग्रिड में शो कराने की फंक्शनलिटी का इम्प्लीमेंट किया। उसके बाद मॉडल पॉपअप को डिजाइन किया और मॉडल पॉपअप के थ्रू रिकॉर्ड को डेटाबेस में इंसर्ट कराने की फंक्शनलिटी का इम्प्लीमेंटेशन किया। उसके बाद डिलीट की फंक्शनलिटी का इम्प्लीमेंटेशन किया। तो यदि आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं ताकि और भी चीजें आपको बेहतर समझ में आए। तो हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो पर और एडिट और अपडेट की फंक्शनलिटी का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो ये हमारा इंडेक्स डॉट सी एस एच टी एम एल है, ये हमारा कंट्रोलर है और ये हमारा जेएस फाइल है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने जहां पे एडिट बटन लगाया है तो एडिट बटन पे हम क्या करेंगे, एक फंक्शन को कॉल करेंगे। जैसे हम यहाँ पे डिलीट बटन पे एक फंक्शन कॉल करवा रहे हैं डिलीट नाम का, वैसे ही हम एडिट बटन हमने जहां लगाया है तो हम एडिट बटन के ऑन क्लिक पे हम एक एडिट फंक्शन कॉल कराएंगे और इसमें हम क्या पास कर देंगे, आईडी, आइटम डॉट आईडी। हमने एक एडिट बटन पे और एडिट बटन पे उसके ऑन क्लिक इवेंट पे एक एडिट फंक्शन को कॉल किया और उस फंक्शन में हमने क्या पास कर दिया, आईडी। ठीक, हमने आईडी पास कर दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब चलते हैं, अब हम फंक्शन बनाते हैं एडिट का, फंक्शन एडिट, क्योंकि हम आईडी पास कर रहे हैं, यूआरएल देते हैं। URL हम क्या देंगे, हमारे कंट्रोलर का नाम है एजेक्स। सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, अपने कंट्रोलर पे जाएंगे एजेक्स। उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, अब हम उस एक्शन को परफॉर्म करेंगे जहां पे हम डेटा को गेट करेंगे। तो वहां कंट्रोलर पे चलते हैं और हम एक्शन बनाते हैं, पब्लिक जेसन रिजल्ट एडिट इंट आईडी वेयर डेटा इक्वल्स टू कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉय डॉट वेयर लैम्डा एक्सप्रेशन ई डॉट आई डी इक्वल इक्वल्स आई डी डॉट सिंगल और डिफॉल्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिटर्न रिटर्न न्यू जेसन रिजल्ट, हम डेटा को रिटर्न करा देंगे। यहां पे हमने क्या किया, हम जो आईडी लेकर आ रहे हैं, जैसे ही हम एडिट बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा फंक्शन कॉल होगा, एडिट नाम का जो हमने फंक्शन यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में बनाया है ये फंक्शन हमारा कॉल होगा। क्योंकि यहाँ पे इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम इसको ऐसे लिखते हैं, डॉलर डॉट एजेक्स। अब इसके अंदर डॉलर डॉट एजेक्स के अंदर हम पैरामीटर पास करेंगे, यू आर एल, कंट्रोलर हमारा कौन सा, एजेक्स। उसके बाद हमें कहाँ जाना है, इंडेक्स एडिट पे आईडी इक्वल्स टू, उसके बाद हम आईडी लेकर जाएंगे। उसके बाद टाइप हमारा क्या होगा, गेट, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन कैर सेट इक्वल टू UTF-8, डेटा टाइप जेसन। उसके बाद सक्सेस, सक्सेस फंक्शन कॉल कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे आईडी लेकर जाएंगे तो हम एक्शन पे, तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, हम डेटाबेस में जा रहे हैं, उसके बाद एम्प्लॉय टेबल खोज रहे हैं, उसके बाद हमारी जो कंडीशन काम कर रही है वो डेटाबेस की जो आईडी है और जो हम आईडी लेकर आए हैं उस आईडी से जो भी रिकॉर्ड मैच होगा वो हम क्या कर रहे हैं, डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर करा ले रहे हैं। उसके बाद इसी डेटा को हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर दे रहे हैं। सक्सेस में हमारा रिस्पॉन्स गेट होगा, अगर हमें सक्सेस डेटा नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे, एक इरर फंक्शन चलाएंगे और यहाँ पे अलर्ट करा देंगे, डेटा नॉट फाउंड, कंट्रोल एस करते हैं। अब हम यहाँ पे डीबगर लगा देते हैं और यहाँ पर भी हम डीबगर लगा देते हैं, क्योंकि मित्रों जो हमने ये फंक्शन बनाया ये हमारा फंक्शन बाहर होना चाहिए, कंट्रोल एस करते हैं, यहाँ पे हम इसको फंक्शन के कंट्रोल एस करते हैं और हमने प्रोजेक्ट को रन करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं। उसके बाद जैसे अब देखिए हम एडिट बटन पे इंस्पेक्ट करते हैं और देखिए एडिट बटन पे हमारा कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है, एडिट फंक्शन कॉल हो रहा है और आईडी लेकर जा रहा है 5। डिलीट पे भी हमारा डिलीट फंक्शन कॉल हो रहा है और आईडी लेकर जा रहा है 5। तो जैसे हम एडिट बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा कौन सा फंक्शन कॉल होगा, एडिट, और हमने एडिट फंक्शन पे डीबगर लगा रखा है, हमारा कर्सर आके यहाँ पे रुक जाएगा ब्रेक पॉइंट पे। तो आईडी हम क्या लेके जा रहे हैं, 5। उसके बाद हमने सक्सेस पे भी ब्रेक पॉइंट लगा रखा है तो हम F10 करते हैं और ये क्या किया, एजेक्स कंट्रोलर के एडिट एक्शन पे आया और क्या लेकर आया, आईडी लेकर आया 5। अब ये 5 के रिस्पेक्ट में डाटा को गेट करेगा, जो भी इसे डेटा मिलेगा डेटाबेस से 5 के रिस्पेक्ट में, अब ये क्या करेगा, इसी डेटा को रिस्पॉन्स में ये रिटर्न कर देगा। कंटिन्यू करते हैं, अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारा रिस्पॉन्स, F10 करते हैं,
देखिए रिस्पॉन्स में हमारा डेटा आ चुका है। अगर हम कंसोल पे देखना चाहते हैं रिस्पॉन्स में हमारा क्या आया है, रिस्पॉन्स में हमारा डेटा आ चुका है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम बाइंड करने का काम करेंगे। अब देखिए सिनारियो हमारे पास क्या क्रिएट हो रहा है, जैसे हम एडिट बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें एक मॉडल पॉपअप दिखना चाहिए, और उस मॉडल पॉपअप में हम क्या करेंगे, इन सभी डेटा को बाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो पर, प्रोजेक्ट को स्टॉप कर देते हैं, और इंडेक्स डॉट सी एस एच टी एम एल पे हम क्या करेंगे, हमने जहां पे ये नेम नाम का फॉर्म बनाया है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फील्ड और ऐड करेंगे, कंट्रोल सी, और इसी के नीचे ऊपर यहाँ पे हम दे देंगे आई डी। आई डी इनपुट टाइप बराबर इक्वल टू टेक्स्ट प्लेस होल्डर हटा देंगे, फॉर्म कंट्रोल आई डी हम क्या दे देंगे, एम्प्लॉय आई डी, एम्प्लॉय आई डी ऑटो कंप्लीट हटा देंगे, इसलिए कि ये केवल हम डिस्प्ले कराएंगे, डिसेबल्ड इक्वल टू डिसेबल्ड, ये हमारा केवल डिसेबल रहेगा। हमें आईडी को गेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हमने एक फील्ड ऐड कर दिया आईडी का, और उसके बाद हम चलते हैं अपने कस्टम डॉट जेएस पे, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने मॉडल पॉपअप को शो कराएंगे। तो मॉडल पॉपअप को शो कैसे कराएंगे, तो उसकी आईडी क्या है, हमारे मॉडल पॉपअप की आईडी है एम्प्लॉय मॉडल, कंट्रोल सी, और हम यहाँ पे डॉलर हैश कंट्रोल वी डॉट मॉडल, और यहाँ पे हम क्या करेंगे शो, हमारा मॉडल पॉपअप दिखेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जितना भी हमारे रिस्पॉन्स में डेटा आएगा उसे हम इनपुट बॉक्स में बाइंड करेंगे उसकी आईडी के रिस्पेक्ट में। तो आईडी हमारी क्या है, नेम स्टेट सिटी और सैलरी, तो इस आईडी के रिस्पेक्ट में हम सबके इनपुट बॉक्स में डेटा को बाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम चलते हैं यहाँ पे जेएस फाइल पे, और डॉलर इसकी आईडी दे देंगे हम आईडी कंट्रोल वी डॉट वैल्यू, वैल्यू क्या दे देंगे, रिस्पॉन्स में हमारा डेटा आ चुका है तो रिस्पॉन्स डॉट नेम। उसी तरह हम डुप्लीकेट कॉपी करेंगे, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कॉपी करते हैं, नेम के बाद स्टेट, यहाँ पे भी स्टेट कंट्रोल डी सिटी, और रिस्पॉन्स में हमारा सिटी आया है तो सिटी, फिर सैलरी, और यहाँ पे रिस्पॉन्स में हम बाइंड करेंगे सैलरी। कंट्रोल एस करते हैं और प्रोजेक्ट को रन करते हैं, देखते हैं हमें रिस्पॉन्स क्या मिलता है, कंट्रोल एस कंट्रोल फाइव। तो मित्रों जैसे ही हम एडिट बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें क्या डिस्प्ले होगा, एक पॉपअप डिस्प्ले होगा। तो हमने एडिट बटन पे क्लिक किया और हमें क्या डिस्प्ले हुआ, एक पॉपअप डिस्प्ले हुआ, उसके इनपुट बॉक्स में हमने डेटा को बाइंड करा दिया, बट अभी आईडी में डेटा बाइंड नहीं हुआ है। और यहाँ पे जो सेव बटन है इसको भी हम चेंज करेंगे, क्या करेंगे, इसको हम अपडेट करेंगे। तो चलते हैं दो काम करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आईडी आईडी को भी बाइंड कराएंगे, डॉलर आईडी क्या थी हमारे इनपुट बॉक्स की, इनपुट बॉक्स की आईडी है एम्प्लॉय आईडी कंट्रोल सी, और एजेस जेएस फाइल में चलते हैं और कंट्रोल वी डॉट वैल्यू रिस्पॉन्स डॉट आईडी, आईडी को हमने बाइंड करा दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे बटन लगाएंगे, किसका बटन लगाएंगे, अपडेट का बटन लगाएंगे। तो इसको हम सेम कंट्रोल डी करते हैं और इसको हम चेंज कर देते हैं, बीटीएन प्राइमरी है तो हमें इसे क्या कर देंगे, वार्निंग, इसका कलर हो जाएगा पीला। अब देखिए ऑन क्लिक पे हमारा एड एम्प्लॉय नाम का फंक्शन कॉल हो रहा है, बट हम यहाँ पे दूसरे फंक्शन को कॉल करेंगे, बट अभी हमने बनाया नहीं है, जब बनाएंगे तो हम यहाँ पे लगाएंगे। आईडी हम इसको क्या दे देंगे, बीटीएन अपडेट, बीटीएन अपडेट दे दिया, और इसके टेक्स्ट को चेंज कर देते हैं अपडेट, कंट्रोल एस करते हैं। अब देखिए बाय डिफॉल्ट इसको हम क्या करेंगे, इसको हम हाइड रखेंगे, तो हम इसको स्टाइल दे देते हैं डिस्प्ले नन, हमने क्या किया इसे बाय डिफॉल्ट हाइड कर दिया, कंट्रोल एस करते हैं। अब हम अपने कस्टम डॉट जेएस फाइल पे चलते हैं और हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हमारा मॉडल पॉपअप डिस्प्ले होगा तो हम क्या करेंगे, जो हमारा एड बटन है यानी सेव जो हमें दिख रहा है हम उसको हाइड कराएंगे, तो उसकी आईडी क्या है, एड एम्प्लॉय कंट्रोल सी, कस्टम डॉट जेएस पे चलेंगे और डॉलर हैश कंट्रोल वी डॉट। देखिए इसको हम दो तरीके से हाइड कर सकते हैं, पहला तो इसकी सीएसएस को हम क्या कर देंगे डिस्प्ले, और इसको हम क्या करेंगे एड एम्प्लॉय नाम के बटन को हमें क्या करना है, हाइड करवाना है, तो इसको क्या करेंगे हम डिस्प्ले नन।
पहला बटन ये हो गया, और उसके बाद हम क्या करेंगे, कंट्रोल डी करते हैं और हमारे अपडेट बटन का क्या है आईडी, बीटीएन अपडेट, कंट्रोल सी कस्टम जेएस, यहाँ पे कंट्रोल वी डॉट सीएसएस, इसको हम क्या करेंगे ब्लॉक कर देंगे, इसको हमने ब्लॉक कर दिया, ऐसे कर दिया। एक तो तरीका ये हो गया, और दूसरा तरीका ये होता है कंट्रोल सी करते हैं और यहाँ पे हम कंट्रोल वी करते हैं और यहाँ पे डायरेक्ट हम इसे लिख देंगे हाइड, और यहाँ पे हम क्या देंगे सो। अभी इसको हम कमेंट करते हैं, कंट्रोल के कंट्रोल सी, अभी हमने इसको कमेंट कर दिया, इसके बाद इसको हम कमेंट करके इसको अनकमेंट करेंगे, देखेंगे दोनों मेथड हमारा चल रहा है या नहीं। अब हम करते हैं कंट्रोल फाइव, एडिट बटन पे हम क्लिक करते हैं, देखिए आईडी हमारी फाइव बाइंड हो चुकी है और बटन हमारा अपडेट यहाँ पे शो हो रहा है और एड जो सेव बटन था वो हमारा हाइड हो चुका है। अब हम दूसरे मेथड को ट्राई करते हैं, अब हम इसको कमेंट करते हैं कंट्रोल के कंट्रोल सी और इसको हम क्या करेंगे अनकमेंट करेंगे, कंट्रोल के कंट्रोल यू कंट्रोल एस, अब कंट्रोल एफ फाइव, एडिट बटन पे क्लिक करेंगे, सेम वर्क कर रहा है हमारा, तो हम दोनों मेथड से बटन को हाइड और शो करवा सकते हैं। तो मित्रों ये हमारा स्टैंडर्ड तरीका है, तो हम इसी को रखेंगे, कंट्रोल के कंट्रोल यू कंट्रोल एस। अब हमने डेटा को बाइंड कराने का तो काम कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक फंक्शन बनाएंगे अपडेट एम्प्लॉय। अब इस अपडेट एम्प्लॉय नाम के फंक्शन को हम कहां कॉल करेंगे, कंट्रोल सी, और जहां हमारा बटन था अपडेट का यहां पे हमने जो ऑन क्लिक पे हम ये फंक्शन कॉल करा रहे हैं एड एम्प्लॉय, तो उसके नीचे हम क्या करेंगे बट अपडेट के बटन पे हम क्या करेंगे अपडेट एम्प्लॉय नाम का फंक्शन कॉल करेंगे, कंट्रोल एस। तो हम चलते हैं अपने जेएस फाइल पे, अब यहां पे हम क्या करेंगे, इसको हम कट कर देते हैं फिलहाल के लिए। अब हम यहां पे क्या करेंगे, जो काम हम सेम एड पे कर रहे हैं वही काम हमें करना है अपडेट पे, कंट्रोल सी, यहां पे हम करते हैं पेस्ट, कंट्रोल वी। अब यहां पे देखिए एड पे हम क्या कर रहे थे, आईडी नहीं ले जा रहे थे, लेकिन यहां पे हम क्या करेंगे आईडी ले जाएंगे, इसलिए कि हमें रिकॉर्ड को अपडेट कराना है, क्रिएट थोड़ी ना करना है, तो हम क्या करेंगे आईडी ले जाएंगे, आईडी डॉलर हैश आईडी के एम्प्लॉय आईडी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी डॉट वैल्यू आईडी हम ले जाएंगे, कंट्रोल एस। उसके बाद हम क्या करेंगे डॉलर डॉट एजेक्स यूआरएल, URL हमारा क्या होगा कंट्रोलर का नाम होगा AJAX। उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, किस एक्शन को परफॉर्म करेंगे, तो कंट्रोलर पे चलते हैं, कोड लिखते हैं पब्लिक JSON रिजल्ट अपडेट, तो अपडेट पे हमारा एम्प्लॉय मॉडल है EMP एम्प्लॉय एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉय डॉट अपडेट, अपडेट क्या कराना है एम्प्लॉय में जो भी हमारा रिकॉर्ड आएगा उसको हम क्या करेंगे अपडेट करा देंगे, कॉन्टेक्ट डॉट सेव चेंजेस, उसके बाद रिटर्न न्यू जेसन रिजल्ट, अब यहां पे हम क्या करेंगे रिकॉर्ड अपडेटेड, ऐसे हमने रिटर्न करा दिया, कंट्रोल एस करते हैं, यहां पे हम ब्रेक पॉइंट लगा देते हैं और हमारा एक्शन का नाम क्या है अपडेट, कंट्रोल सी कस्टम डॉट जीएस पे हम क्या करते हैं यहाँ पे हम एक्शन हमारा ये हो गया टाइप पोस्ट, कंट्रोलर पे भी हम दे देंगे एचटीटीपी पोस्ट, कंट्रोल एस कस्टम डॉट जीएस पे यहाँ पे हमने दे दिया पोस्ट, अब सेम हम यहां से एड पे से कॉपी करके वहां पेस्ट कर देते हैं, सेम काम हमें जो हम क्रिएट पे कर रहे हैं वही हमें अपडेट पे कराना है, कंट्रोल भी। डेटा टाइप क्या होगा हमारा जेसन, अब सक्सेस, उसके बाद सक्सेस फंक्शन कॉल होगा, अलर्ट हम कराएंगे डेटा सेव, उसके बाद टेक बॉक्स को क्लियर कर देंगे, उसके बाद सो एम्प्लॉय डेटा, यानी जो हमारा डेटा जो हमारा फंक्शन बना हुआ है डेटा को फेच करने का सो एम्प्लॉय डेटा, इसको हम कॉल कर देंगे, इसलिए कि जब हम रिकॉर्ड को इंसर्ट जब हम रिकॉर्ड को अपडेट कराएंगे तो हमें
डिस्प्ले भी तो कराना है, तो उसके लिए हमने एक फंक्शन ऑलरेडी बना चुके हैं स्व एम्प्लॉय डेटा के नाम से। उसके बाद हम क्या करेंगे, मॉडल पॉपअप को हाइड कराएंगे। अब देखते हैं ये वर्क कैसे करते हैं। हम यहाँ पे डिबगर लगाते हैं कंट्रोल एस, और हमने यहाँ पे भी अपने कंट्रोलर पे भी डिबगर लगा रखा है। अब हम प्रोजेक्ट को करते हैं रन, अब देखते हैं क्या हमारा प्रोजेक्ट प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। पहले एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं। अब चूंकि देखिए, जब हम एड बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसे आईडी वाले इनपुट बॉक्स को हाइड करा देंगे। तो अभी हम करवाएंगे उसको धीरज कुमार, स्टेट हरियाणा, सिटी सोनीपत, सैलरी 12 12 12। अब हम जैसे सेव करेंगे, डेटा सेव, उसके बाद लोड हो गया, एक्सबॉक्स बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद हम धीरज कुमार को क्या करते हैं, अपडेट करते हैं। आईडी लेकर आया 17, धीरज कुमार है तो इसे हम क्या करते हैं, नगेंद्र सिंह, हरियाणा तो इसे हम क्या करेंगे, गुरुग्राम, सोनीपत सिटी रहने देते हैं, सैलरी हम चेंज कर देते हैं। अब जैसे ही अपडेट बटन पे क्लिक करते हैं इंस्पेक्ट करके, अब देखिए अपडेट बटन पे हम इंस्पेक्ट करते हैं तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अपडेट एम्प्लॉय नाम का फंक्शन कॉल हो रहा है। और हमने इसको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे हमने क्या किया था, इसको डिस्प्ले नन किया था। लेकिन अभी हमें क्या डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पे हमें डिस्प्ले ब्लॉक दिख रहा है। अब जैसे ही अपडेट बटन पे क्लिक करेंगे तो हमने ब्रेक पॉइंट लगा रखा है। F10 करते हैं, ओबीजे में हमारा सारा डाटा आ चुका है। कंसोल पे हम देख सकते हैं ओबीजे डाटा, देखिए ऑब्जेक्ट में हमारा डेटा पूरा है, सिटी आईडी नेम सैलरी स्टेट। अब हम क्या करते हैं, F10 करते हैं, डेटा कैन नॉट सेव, यानी हमारा डेटा सेव नहीं हुआ। देखते हैं क्यों नहीं सेव हुआ। मित्रों डेटा सेव इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमें कंट्रोलर पे डेटा नल मिल रहा है। तो इसको हम कैसे हैंडल करते हैं देखते हैं। तो मित्रों कंट्रोलर पे डेटा नहीं आ रहा था, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने जीएस फाइल पे चलते हैं और जीएस फाइल पे हम चेक करते हैं हमने क्या गलती कर दी है। तो जीएस फाइल पे मित्रों जो हमने एक्स www फॉर्म URL इनकोडेड कंट्रोल सी, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे चेंज करेंगे इसको, हम मैंने यहाँ पे ट्रिपल कर दिया है, ट्रिपल एक्स। तो हम इसे क्या करेंगे, XWWW फॉर्म URL इनकोडेड कैरेक्टर सेट UTF-8, कंट्रोल एस करते हैं और हम अपने प्रोजेक्ट को दोबारा से रन करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है हमको। एडिट बटन पे मित्रों हम क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं। अब हम इसे चेंज करते हैं, नगेंद्र कुमार हरियाणा रहने देते हैं, सोनीपत है तो इसे हम कर देते हैं बालगढ़, पिन कोड हम चेंज कर, सैलरी हम चेंज कर देते हैं। अपडेट बटन पे क्लिक करते हैं, हमने ब्रेक पॉइंट लगा रखा है, F10 करते हैं, कंट्रोलर पे चेक करते हैं क्या हमारा डेटा आया। देखिए मित्रों कंट्रोलर में हमारा डेटा आ चुका है, F10 करते हैं, रिकॉर्ड हमारा डेटाबेस में इंसर्ट हो गया और हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, अलर्ट डेटा सेव। उसके बाद क्लियर टेक्स्ट बॉक्स वर्क नहीं किया, क्लियर टेक्स्ट बॉक्स वर्क नहीं किया, क्यों नहीं किया देखते हैं। यहाँ पे मित्रों जो हमने आईडी के लिए दी है डॉलर हैच एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी डॉट वैल्यू, इसको भी हम ब्लैंक करते हैं, फिर देखते हैं कंट्रोल एस, दोबारा से हम अपने रिकॉर्ड को अपडेट करते हैं, एडिट बटन पे क्लिक करते हैं, नगेंद्र कुमार तो हम इसको करते हैं मनोज यादव, मनोज यादव, स्टेट उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश सिटी वाराणसी, सैलरी 20,000। अपडेट बटन इंस्पेक्ट करके अपडेट बटन पे क्लिक करते हैं, कंटिन्यू कंटिन्यू, F10, डेटा सेव। अभी हमारा क्लियर टेक्स्ट बॉक्स वर्क नहीं कर रहा है। मित्रों यहाँ पे हमारे क्लियर टेक्स्ट बॉक्स फंक्शन कॉल क्यों नहीं हो रहा है, तो देखिए इसको हमने क्या किया है, गलती से फंक्शन के अंदर ये बना हुआ है, तो इसको हम क्या करते हैं कंट्रोल एक्स और इसको हम करते हैं बाहर, और ये भी हमारा बाहर होगा कंट्रोल एस, और ये जो हाइड मॉडल पॉपअप है इसको भी हम करेंगे बाहर, ये फंक्शन के अंदर नहीं रहेगा।
इसीलिए हमारा फंक्शन कॉल नहीं हो रहा था। कंट्रोल एस, अब देखिए दोबारा से प्रोजेक्ट को रन करते हैं और चेक करते हैं, अब प्रॉपर वर्क करेगा 100%। एडिट बटन पे क्लिक करते हैं, सीताराम सिंह करते हैं, अपडेट बटन पे क्लिक करते हैं, डेटा अपडेटेड, उसके बाद ऐड बटन पे क्लिक करते हैं, हमें टेक्स्ट बॉक्स ब्लैंक मिला, बट यहाँ पे आईडी अभी डिस्प्ले हो रही है तो इसको भी हम हाइड कराते हैं। अब देखिए जब ऐड बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये अपडेट का बटन नहीं दिखना चाहिए, हम क्या करेंगे ऐड वाले बटन को दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहां से हम कॉपी करते हैं कंट्रोल सी और इस बटन पे हम चलते हैं, जैसे इस पे क्लिक करेंगे, इस बटन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे कंट्रोल वी और एड एम्प्लॉय डॉट सी, इसको हम क्या करेंगे ब्लॉक ब्लॉक, और इसको हम क्या करेंगे नन, कंट्रोल एस, इस फंक्शन को हम ऊपर कॉल कर लेते हैं कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, और इसको हम आईडी जो दिख रही थी तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको नहीं लेंगे, हम इसको ही ले लेंगे, इसमें हम आईडी दे देंगे आईडी इक्वल्स टू ईएमपी आईडी, कंट्रोल एस कंट्रोल सी और कस्टम डॉट जेएस पे चलते हैं, और यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे इसको देंगे एम्प्लॉय आईडी डॉट हाइड, कंट्रोल एस, रन करते हैं प्रोजेक्ट को। अब देखिए जैसे ऐड पे क्लिक करेंगे तो हमारा सेव आ रहा है और ऐड एम्प्लॉय आ रहा है और आईडी हाइड हो चुकी है। अब देखिए जैसे हम एडिट पे क्लिक करते हैं तो अभी हमारा यहाँ पे ऐड एम्प्लॉय ही आ रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे अपडेट एम्प्लॉय करेंगे, तो क्लोज करते हैं और ऐड एम्प्लॉय हमने कहाँ लिखा है यहाँ पे, तो हम इसको आईडी दे देते हैं आईडी एम्प्लॉय हेडिंग कंट्रोल एस और इसको हम करते हैं कंट्रोल सी और हम चलते हैं कस्टम डॉट जेएस पे। जब हम क्या करेंगे एडिट बटन पे क्लिक करेंगे तब हमें ये काम करवाना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे चलते हैं डॉलर हैश कंट्रोल वी डॉट टेक्स्ट, क्या करेंगे उसके टेक्स्ट को हम क्या कर देंगे अपडेट एम्प्लॉय या फिर रिकॉर्ड लिख देते हैं अपडेट रिकॉर्ड, कंट्रोल एस करते हैं रन करते हैं। अब देखिए जैसे एडिट बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा क्या आ रहा है अपडेट रिकॉर्ड, बंगाल से हम क्या करते हैं वेस्ट बंगाल करते हैं, अपडेट बटन पे क्लिक करते हैं, डेटा अपडेटेड, रिकॉर्ड हमारा अपडेट हो चुका है। उसके बाद ऐड एम्प्लॉय पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए अभी अपडेट रिकॉर्ड आ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे फिर से चेंज करते हैं, ऐड बटन पे जब हम क्लिक करेंगे तो हम क्या करेंगे कंट्रोल सी और हम चलते हैं ऐड बटन पे, यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो क्या करेंगे कंट्रोल वी और यहाँ पे दोबारा से हम कर देंगे इसको एड एम्प्लॉय कंट्रोल एस, रन करते हैं अपने प्रोजेक्ट को। देखिए एडिट बटन पे अपडेट रिकॉर्ड, एड एम्प्लॉय पे एड एम्प्लॉय, एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं स्टेट सिटी सैलरी सेव, डेटा सेव, रिकॉर्ड हमारा इंसर्ट हो चुका है। अब हम मॉडल पॉपअप देखते हैं क्या हमारा ब्लैंक है, ब्लैंक है, उसके बाद हम एक रिकॉर्ड को अपडेट करते हैं धीरू सिंह रामपुर सिटी, अब इसको हम क्या करते हैं अपडेट करते हैं, डेटा अपडेटेड ओके, और ये देखिए हमारा धीरू सिंह अपडेट हो चुका है। अब फिर से हम एडिट एड बटन पे क्लिक करते हैं तो मित्रों प्रोजेक्ट हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है।